मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का जो प्री वेडिंग सेरेमनी चल रहा है और उसमें वो तीनों खानों को ठुमका लगाते देखा तो बहुत आनंद आया। जिसने कहा था, आपको याद होगा एक चैनल पे, वो सोनिया गांधी के देवर के चैनल पे ही, कि हमें करने के लिए, हमें जो मतलब तीनों को साइन करने के लिए चड्डी बनियान किसी का बिक जाएगा। मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी बहुत तेज तरार हैं। आज वो तीनों चिरकुट चड्डी खोल करके नाच रहे थे। ये वीडियो बहुतों को पता होगा। आज तक का एक रिपोर्टर है और वो पूछ रहा है शाहरुख खान से कि आप तीनों चमचागिरी में, पूछ रहा है वो, और वो बहुत बड़ा चापलूस है वो, ये देखिए। तो ये पूछ रहा कि है आप तो तीनों कब आएंगे। तो शाहरुख खान ने कई बार चापलूसों की दुर्गति, जब आप ओवर चापलूसी कर लेते हैं तो आप जूता खाने की स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन ये शाहरुख खान ने जूता किसी पत्रकार को नहीं मारा था, एक तरह से लग रहा सनातन भारत पे मारा था। आज देखिए कि तीनों कहां डाल करके, क्या डाल करके, क्या नाच रहा है, क्या कर दिया है मुकेश अंबानी ने सर। मनीष जी, इनको इनकी औकात बताइए। जो ऊपर बैठा है वो ये बता दूं कि जो जो उसके जिसको शाहरुख खान ने कहा कि तुम्हारे चड्डी बनियान बिक जाएगा अगर मुझको साइन करोगे, हम तीनों खान को साइन करोगे, ये वही धूर्त है जिसने स्मृति ईरानी के साथ बड़ी अश्लील टिप्पणी की थी। और स्मृति ईरानी ने इसको बहुत बुरी तरह से धोया था 2014 में, जैसे जब सरकार बनी थी। लेकिन जब शाहरुख खान ने इसको इस तरह से कह दिया तुम्हारे चड्डी बनियान बिक जाएंगे, तो ये बिल्कुल मुर्दों की तरह मौन का बेशर्मी इसने ओढ़ ली। तो इनके अहंकार को आज प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी ने, आज मनीष जी इनको चौराहे पे इनकी औकात बताई है कि हिंदुस्तान के। और मैं मुकेश अंबानी को इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो मनीष जी ये जो आप दिखा रहे हो इसको ध्यान करिए, एक और वीडियो ध्यान करिए कि वो हम लोगों ने दिखवाया था कि वो जो अदालत लगाने वाला संपादक है उसके भी दोनों टांगों के बीच में कपड़ा घुसेड़ के लिली घोड़ी की तरह नचा रहे थे ये उसको। तो मेरे ख्याल से उस अदालत लगाने वाले संपादक को भी कुछ शर्म आ रही होगी, याद आ रहा होगा कि मुझको कैसे इन्होंने नचाया था, आज ये खुद नाच रहे हैं। तो ये तो बनी जी वीडियो फिर भी कुछ गनीमत है, ये वीडियो गनीमत है, कुछ नहीं, याद दिला दूं पोशाक भी इसी मुझे में लगता है दिया गया होगा, कहीं। तुम्हें इसी पोशाक में करना है, ये भी होगा मुझे लगता हाँ है। कपड़ों हाँ वो वही है, बिल्कुल से सही कह रहे पहचान आप। होती है ना, पीएम ने कहा था। हाँ, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने अदालत लगाने वाले संपादक को लिल्ली घोड़ी बना के नचाया था। तो मेरे ख्याल से ये कहीं से मुकेश अंबानी को था कि इनको लिल्ली घोड़ी ही बना देना अपनी शादी में, तो मुकेश अंबानी की शादी में ये लिल्ली घोड़ी बन के नाचे। अब नई नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको याद होगा, पहले शादी ब्याह बरातों या रामलीला के मैदान में लिल्ली घोड़ी होती थी, वो इसी तरह से कपड़ा घुसेड़ के वो नाचा करती थी। आदमी होता था थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के, तो लिल्ली घोड़ी बना के इनको नचवाया आज मुकेश अंबानी ने। क्योंकि इन्होंने ये बदतमीजी अदालत लगाने वाले संपादक ने बड़ी खींचे काटते हुए स्वीकारी थी, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सामने बैठे हुए थे, तो इन्होंने एक तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई थी जब अदालत लगाने वाला संपादक उछल रहा था। तो मुकेश अंबानी ने आज इनको तो इनको लिल्ली घोड़ी बना दिया अपने बेटे की शादी में। तो मुझको तो 50 साल पुराना बचपन अपना याद आ गया कि मैंने एक लिल्ली घोड़ी आज नाचते हुए देखी मुकेश अंबानी के लड़के के बेटे में, जो बड़ी जो बताती है कि लोगों के जांघिया बनियान दिए जाएंगे। लेकिन एक और वीडियो है मनीष जी इसी शादी का, कि मुकेश अंबानी के बेटा और बहू वो मंच पे नाच रहे हैं, और जैसे फिल्मों में एक्स्ट्रा नहीं होता 100-200 रुपया लेके पीछे नाचा करते हैं हीरो हीरोइन के उनपे किसी कैमरा, तो उसपे तीनों खान नाच रहे हैं एक्स्ट्रा के, जैसे वो लाइन लगा के जो 5-7 है एक्स्ट्रा नाचने वाले उसमें तीनों खान भी हैं, और वो मेरे ख्याल से एक दो तीन और है बॉलीवुड के, तो उनके मुकेश अंबानी के बेटा और बहू नाच रहे हैं और ये एक्स्ट्रा कलाकार की तरह उस शादी में नाच रहे हैं। और इनका ये नाचना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जरा मनीष जी समझ लीजिए, क्योंकि इनसे भी बहुत आगे ये तो यहाँ पे खैरातियों ने सेकुलरों ने इनको जबरदस्ती नायक को महानायक बना के क्या क्या बना के पेश कर दिया। एक वो मनीष जी रिहाना आई थी 2021 में, और वो फ्रांस और जर्मनी कहाँ की गाने वाली कौन भाषा में गाती है, और वो आ गई उसकी छाती फटने लगी कि मुकेश अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति किसानों को लूटे ले रहे हैं। और जैसे ही उसकी छाती फटी उसने ट्वीट किया, वैसे यहाँ घनौर यादव नाचने लगा, राकेश टिकैत नाचने लगा, और वो जो आए थे अनपढ़ हरियाणा और पंजाब से खालिस्तानी गुंडे वो नाचने लगे। अरे किसानों के बारे में तो रिहाना ने कह दिया, कैसा उद्योगपतियों के यहाँ तो नरेंद्र मोदी बेचे दे रहा है। तो वो जो उसकी
किसानों के हाथों नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के हाथों किसानों को बेचे नरेंद्र मोदी, उस रिहाना को आज मुकेश अंबानी के हाथों बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा। वो रिहाना 75 करोड़ रुपया लेके नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में सुबह शाम नाच रही है, लगातार नाच रही है। तो वो केवल वहां पे शादी में नहीं नाच रही, वो राकेश टिकैत के मंसूबों पर नाच रही है, वो जो गंधौर यादव उसके उस पर नाच रही, क्योंकि यही लोग बहुत बड़े। अरे रिहाना आ गई, एक वो रिहाना आ गई थी, एक मियाँ खलीफा, वो तो खैर वो तो उसकी भी बाप थी अम्मा थी। तो रिहाना को मैंने जब नाचते हुए देखा, पहले खबर पड़ी उसके बाद उसका वीडियो देखा, तो मुझको लगा कि ये जो है ये केवल मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नहीं नाच रही, ये जो किसान के नाम पर खालिस्तानी गुंडे आए थे उनकी खोपड़ी पे नाच रही है, उनकी छाती पे नाच रही है, उनकी पीठ पे नाच रही है, और खूब जम के नाच रही है, जूते पहन के नाच रही है, क्योंकि 75 करोड़ रुपया लेके वो उसी अंबानी के यहाँ नाच रही है जिसके लिए बुला के लाए थे कि अंबानी तो किसानों को लूटे ले रहा, और नरेंद्र मोदी किसानों को अंबानी अडानी के हाथों लुटवा देगा, तो वो वहां खुद ही लुटने चली गई। 75 करोड़ रुपए उसकी कीमत लगी और सुबह शाम नाच रही है, मतलब कल भी नाची, आज भी नाची, मेरे ख्याल से 2-3 दिन और नाचेगी, केवल 75 करोड़ रुपए पे। तो ये इनका नाटक, इनका फर्जीवाड़ा। और राहुल गांधी जरा ध्यान से देखें कि वो कांग्रेसी बड़ा नाचे थे कि मियाँ खलीफा आ गई के किसानों के लिए और रिहाना आ गई, तो रिहाना अभी फिर आ गई है। अब वो उस समय तो केवल ट्वीट करके आई थी, आज वो सशरीर आई है और खूब नाच रही है। ये तीनों खान जो है ये वहां तो कोई कभी लिल्ली घोड़ी बना के नचा रहा है अंबानी उनको, कभी एक्स्ट्रा कलाकार बना के नचा रहा है उसको, तो खैर बिल्कुल क्या कहूँ बनरिया बना दिया कि सुबह भी नाचो, शाम को भी नाचो, कल भी नाचो, परसों भी नाचो। तो मुकेश अंबानी को कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि उनका अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन नमन, कि उन्होंने भारत के साख को इन लोगों के जिस तरह से नचवाया है, तो बताया है कि भारत है क्या। क्योंकि मनीष जी, इस पूरी शादी में मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार, वो उसने भारतीय संस्कृति की जिस तरह से गरिमा को बढ़ाया है और उसका जिस तरह से प्रचार किया है पूरी दुनिया में, उसके लिए वो वास्तव में अभिनंदन के पात्र हैं। ये तो मुकेश अंबानी का एक साइड का आइटम है कि इनको भी उन्होंने निपटाया साथ में, लेकिन पूरा उन्होंने अपना जो वैवाहिक आयोजन है उसको अद्भुत तरीके से, पूरी तरह से सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति आप कह लीजिए, उसी के अनुसार उन्होंने उसको निपटाया और बड़े गरिमापूर्ण तरीके से निपटाया है। और इस वाली शादी का तो मुझे नहीं मालूम, मोदी जी इससे पहले जो शादी की थी बेटी की, तो उस समय मैं शायद हम लोगों ने जिक्र भी किया था, तो उस समय भी मुकेश अंबानी सपरिवार पहला कार्ड देने केदारनाथ धाम गए थे, और उन्होंने कार्ड के साथ उस मंदिर को एक इनोवा भी भेंट की थी, मतलब एक तरह से कार्ड के साथ, तो उन्होंने पहला कार्ड बाबा केदारनाथ को दिया था। तो वो आदमी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक आप कह सकते हैं, और मैं जानबूझ के सबसे बड़ा कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति हो जाएगी, सबसे बड़ा ध्वजवाहक इसलिए क्योंकि वो दुनिया के तीसरा सबसे रईस आदमी है। तो मुकेश अंबानी अगर कोई काम करते हैं तो आपके, जब वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, तो सनातन संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजता है। तो मुकेश अंबानी को आप सनातन संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक में से एक आप कह लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैं दूसरे नंबर पे ही रखूंगा। तो उनको बहुत, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत उनको धन्यवाद, और इस शादी की बड़ी अग्रिम अशेष शुभकामनाएं। बिल्कुल, अभी तो प्री वेडिंग है सर, अभी प्री वेडिंग में भारत द्रोहियों को, सनातन द्रोहियों को कुकुर बना दिया, आप कह रहे हैं लिल्ली घोड़ी बना दिया। ये जो हाँ रिहाना है, इसने कहा था भारत के लोग बहुत गरीब होते हैं, आज वो तस्वीर आ रही, इतना नचवाया नहीं नहीं मुकेश नहीं अंबानी नहीं ने मनीष कि उसके कपड़े फट गए, नंगी हो गई एकदम। नहीं नहीं मनीष जी, मैं वो बताऊँ, वो इसने नहीं कहा था, वो भी याद दिला दिया आपने, अच्छा किया याद दिला दिया। वो एक आया था, वो जस्टिन बीबर, वो नाचता गाता था, उसको बहुत दौरे पड़ते थे, उसने कहा था भारत बड़ा गरीब, भारत के लोग बड़े गरीब होते हैं। तो पिछली शादी में मुकेश अंबानी ने उसको भी बुला के नचवाया था, 2-3 दिन वो लगातार नाचा, बंदर की तरह नाचा, जैसे बंदर भालू नचाए जाते हैं। तो मुकेश अंबानी ने वो जस्टिन बीबर को भी शायद 75-80 करोड़ रुपए देके उसको बुलाया था। तो उस समय तो बनी जिस बात पे बड़ी चर्चा भी हुई थी कि संभवतः मुकेश अंबानी ने जस्टिन बीबर को इसीलिए बुलाया है कि क्योंकि इसने कहा था भारत के लोग बड़े गरीब होते हैं, तो मुकेश अंबानी ने उसको औकात बताई कि तुमको बुला के अपने लड़के की शादी नचवा सकता हूं मैं, हिंदुस्तान कितना गरीब है अब ये तुम तय करो। तो आपने अच्छी याद दिला दी, वो जस्टिन बीबर था, वो जो कपड़ा नहीं, आज पहनते मैं उसको सोशल वो मीडिया में मनीष पढ़ जी। रहा था रिहाना के बारे में भी कि इसने भी ऐसा कुछ कहा था, तो उसकी तस्वीर लेकर के चल रहा है कि इसने ये बनी जी, ये किसानों के लिए, इसके किसानों के लिए इसकी छाती फटी थी, ये किसानों के लिए आई थी ये,
तो मतलब इसका जस्टिन मतलब बीबर नहीं साफ गए। है कि मुकेश अंबानी ने सनातन भारत और भाग के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इन बॉलीवुड के भाड़ों और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को नंगा करके नचा करके, जो आप लिल्ली घोड़ी कर रहे हैं, एक तरह हाँ से भारत को, आम जन को, आपको यहां पर सुकून दिया है। उनके पास अथाह पैसे है, तो उस पैसे पर नचा करके इन लोगों को औकात बता दिया कि जिसने कहा था कि तीनों खानों को करने से चड्डी बनियान बिक जाएगा। अच्छा होता अदालत लगाने वाला संपादक को भी नचवा देता। खैर, वो कहीं बाहर बैठा हुआ था। मुझे याद आता है कि मुकेश अंबानी से जब राजदीप सरदेसाई ने सवाल किया था, नहीं, मनीष जी उसको मुकेश अंबानी ने इस लायक नहीं समझा, नहीं तो वो तो 2 ही 4 करोड़ में नाचने लगता। वो तो लल्ली घोड़ी को हो सकता पॉइंट उतार देता कि मतलब खाली अंडरवियर पहन के नाचूंगा, आप पैसा दो मुझको। तो वो तो उसको उन्होंने इस लायक नहीं समझा, ये ज्यादा थे तो इनको कहा गया हो तुमको पैसा देकर नचवाते हैं। और मैं ये अंत में स्पष्ट कर दूं कि मैं नहीं कह रहा, जो सीनियर सिटीजन होंगे वो सहमत हो जाएंगे कि वो लिल्ली घोड़ी ही थे, नाच रहे थे जिस तरह से, उसको लिल्ली घोड़ी की तरह नाचना कहा जाता था। और ये पुरानी बारातों में लिल्ली घोड़ियां नाचती थी, तो आज ये तीनों खान को उन्होंने लिल्ली घोड़ी बना के अपने लड़के की शादी नचवाया है। तो मतलब ये प्री वेडिंग में ही मुकेश अंबानी जी ने पूरे देश को, पूरे सनातन भारत को एक तरह से संतुष्ट किया है। यहां पर एकदम ठंडक हुआ है इन लोगों को नचा करके। ठीक है, ये पैसे पर, ये खैरात पर ही नाचने वाले, जैसे मैं खैरातियों के लिए कहता हूं, उनके पास अथाह पैसा है, इन तीनों खानों के पास भी अथाह पैसा है, लेकिन पैसे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? और जो लोग पैसे के लिए लिल्ली घोड़ी बन सकते हैं, वो पैसे के लिए, भारत द्रोह के लिए कहीं तक जा सकते हैं।